तो गाइस सिर्फ आज आज का टाइम यहाँ पर रह गया है। कल मूवी रिलीज होने वाली जवान, मतलब मच अवेटेड पैन इंडिया मूवी, पैन वर्ल्ड मूवी जवान कल रिलीज होने वाली है। और आप सभी ने ये तो देख ही लिया होगा कि जो रूमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। ट्विटर पर तो भाई ये ट्रेंडिंग कर रहा है कि थलापति विजय का जो कैमियो है वो हमको जवान के अंदर देखने को मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोज भी बन गई है। तो देखो, इसको कन्फर्मेशन करने के लिए मैं डायरेक्ट इस पे ऊपर ऐसी वीडियो नहीं बनाता कि हाँ इसके अंदर कैमियो देखने को मिलने वाला है। मैंने पहले पूरी रिसर्च करी, सभी से पता करा और जितने भी ट्रस्ट सोर्सेज है उनसे मैंने पता लगाया कि जो थलापति विजय उनका यहाँ पर कैमियो होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो सोर्सेस से मुझे पता लगा है कि हाँ उनको भी मतलब पूरा 100% पता नहीं, लेकिन हाँ सब यही कह रहे हैं कि हाँ 50-50 लग रहा है कि यहाँ पर कैमियो हो सकता है। क्योंकि देखो तमिल के अंदर भाई ऐसा होता है कि यहाँ पर कैमियो से किसी को पता लगता ही नहीं कि कैमियो कब होगा, किसका कैमियो होगा। जब आपको याद होगा विक्रम मूवी आई थी उसके अंदर रोलेक्स का जो कैमियो था भाई, वो किसी को पता ही नहीं था, मतलब वो डिस्क्लोज करते ही नहीं है इतना, मतलब सीक्रेटली वो कैमियो को रखते, किसी को पता ही नहीं चलता। जब आप थिएटर में देखोगे तभी आपको ये पता चलेगा। तो ऑफकोर्स जवान मूवी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हम यहाँ पर कैमियो है या फिर नहीं, ये तो हमको भाई मूवी के अंदर जब हम देखेंगे तभी पता चलने वाला है। लेकिन हाँ मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि हाँ यहाँ पर जवान के अंदर थलापति विजय का कैमियो होने वाला है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि कैमियो बहुत पठान टाइप का होने वाला है। मैं आप सभी को बता दूं जो कैमियो का मुझे पता चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि थलापति विजय किसी डांस स्टेप के अंदर या फिर कुछ 2-3 मिनट के रोल के लिए हम सभी को यहाँ पर देखने को मिलने वाले। और आप सभी को तो पता होगा कि भाई थलापति विजय और शाहरुख खान की काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी, काफ़ी बार वो मिले थे। तो भाई वो ऐसे तो मिलेंगे ही नहीं, मतलब दो किंग्स अपनी अपनी इंडस्ट्री के जब आपस में मिलेंगे तो भाई कोलैबोरेशन तो यहाँ पर डेफिनेटली बनता है। और भाई एटली और थलापति विजय की भाई 3 बैक-टू-बैक मूवीज आई थी, तो उन दोनों का बॉन्ड, उसके बाद एटली और शाहरुख खान का बॉन्ड, तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर हमको कैमियोस देखने को मिल सकते, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एटली ने बहुत ज़्यादा कुछ टाइम दिया होगा थलापति विजय को। मेरे ख्याल से कुछ डांस स्टेप के अंदर हमको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है और आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है जवान के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई कल मेरा है 6:30 बजे का शो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आप सभी को जो रिव्यू है, जो ऑनेस्ट रिव्यू है मूवी, मुझे जैसी भी लगेगी मैं आप सभी को बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।